हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी होम थिएटर में तीनों आईसी से सिर्फ बेस निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2.1 होम थिएटर का ये बोर्ड है और इसमें ये जो आईसी आपको है सिर्फ एक आईसी से बेस देता है और दो आईसी से आपको सेटेलाइट स्पीकर चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक कमेंट भी आया था कि क्या हम तीनों आईसी से सिर्फ बेस निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप तीनों आईसी से सिर्फ बेस निकाल सकते हैं और तीनों आईसी पे आप 4 इंच का सबवूफर चला सकते हैं और अच्छा बेस पा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पे जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा वो आपको फॉलो करना होगा। तो बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमें कनेक्शन कैसे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 4558 आईसी है जो कि ये बेस फिल्टर करता है ऑडियो इनपुट लेकर। तो यहाँ पर इसको जो ऑडियो इनपुट मिलता है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है आपको, इसमें होता क्या है कि लेफ्ट राइट को इनपुट लेकर यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़कर इसको लेफ्ट राइट को एक साथ करके यहाँ पे सिंगल आईसी को पहुँचाता है और यहाँ से डायरेक्ट इस आईसी को देता है। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे हमारा सबवूफर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको लंबा भी हो सकता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पीछे यहाँ दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बैक साइड से आपको दिखा रहा हूँ वो जो रेजिस्टेंस दो पीस लगा था यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन और ये पिन दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक साथ जोड़ दिया गया है और 4558 में यहाँ पर ऑडियो इनपुट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से इस दोनों आईसी को ऑडियो मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देना होगा, सिर्फ एक साइड को निकालना है, इस साइड को रहने देना है। जैसा कि यहाँ पे निकाल लेंगे, जैसा कि मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर निकाल लिया है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे दो पिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से निकाल लेना है यहाँ पे। और इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम जिसमें ऑडियो इनपुट देंगे चाहे वो ऑक्स केबल हो या पैनल हो, उसमें हमें क्या करना होगा, जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे जो बोर्ड से निकाला है, अब इसका कनेक्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इसका कनेक्शन हट चुका है और ये दोनों का कनेक्शन भी हट चुका है। इसमें सिर्फ अब बेस देगा जो मैं आपको कनेक्शन करके बताऊँगा। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट राइट होगा उस दोनों रेजिस्टेंस को जो यहाँ पे ये दो हिस्सा बचा हुआ जो मैंने प्रिंट से उखाड़ा है उस पे लगाना है और एक को ग्राउंड पे लगाना है, जैसा कि यहाँ पे ये आपको ग्राउंड दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हैं जो मैंने रेजिस्टेंस को निकाला है इसमें यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं प्रिंट से जो निकाला है उसमें लेफ्ट राइट का इनपुट दे देंगे, एक यहाँ पे है जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और जो ग्राउंड मैंने डाला था ये वाला जो जम्पर लगा हुआ है दोस्तों, ये ग्राउंड ही है तो डायरेक्ट मैंने इस पर ऊपर से लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेना होगा और उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस का जो पिन हटाया था उस दोनों के एक साथ शॉर्ट करके इस तार का टुकड़ा को सोल्डिंग कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये जो दो पिन था उसको एक साथ शॉर्ट करके यहाँ पे तार का टुकड़ा यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है। अब हमें इस क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो आपको पिन दिख रहा है यहाँ पे, ये वॉल्यूम का कनेक्शन लगेगा यहाँ पे, मैं आपको बाद में वॉल्यूम को कनेक्शन करके बताऊँगा। अगर 2.1 के होम थिएटर के बारे में आपको वायरिंग के बारे में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वायरिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो यहां सिंपली क्या करना होगा कि यहां पे इसका हम सोल्डिंग कर देंगे यहां पे, ये बीच वाला जो पिन आपको दिख रहा है यहां पे, उसमें यहां पे इसका प्रिंट आ रहा है, यहां पे सोल्डिंग कर देते हैं। फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों
हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने दो रेजिस्टेंस को निकाला था तो एक साथ जो जुड़ा हुआ है उसको वहीं पे रहने देना है, और जो पिन जो दो यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिरा है उसको डायरेक्ट हम इसमें लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड को दे देना है जो कि ऑडियो इनपुट होगा। और उसके साथ क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस का दो पिन यहाँ से निकाला था उसको एक साथ शॉर्ट करके एक वायर इसमें जोड़कर और यहाँ पे जो पिन आपको दिख रहा है बीच में, बीच वाले में कनेक्शन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होगा क्या, यहाँ से जो फिल्टर करके जो साउंड आपको बेस देगा वो तो पहले सबसे पहले इसमें जाता है और यहाँ पे ये इसी के साथ अब इसमें आएगा, तो इस साथ यहाँ पे जो शॉर्ट किया है अब दोनों आईसी में बेस फिल्टर करके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसमें वॉल्यूम का कनेक्शन कर लेंगे। इसमें सिर्फ हमारा एक ही वॉल्यूम होगा जो कि हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन पिन वाले लेंगे, इसमें छः पिन वाले यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कनेक्शन क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से वायर को जोड़ लेना है यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको तीनों के जैसा यहाँ पे आपको तीनों एक लाइन से जैसा है वैसा हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का कनेक्शन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा कि ये जो एक वॉल्यूम है यही तीनों आईसी को एक साथ कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर दिया है, अब जो इसमें हम एक में सब वूफर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक सब वूफर का यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है और हमारा जो दूसरा सब वूफर है उसका सिर्फ हम एक ग्राउंड इसमें सोल्डिंग कर लेंगे और एक पिन को खाली रखेंगे ताकि हम आपको दोनों आईसी में चेक करके बताएंगे कि हमारा इसमें भी बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अब हम सप्लाई देंगे और हम इसमें बेस चेक करेंगे कि हमारा ये कैसा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, अब चलिए हम इसमें सॉन्ग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑडियो इनपुट भी दे दिया दोस्तों। यहाँ पे जो हुआ क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ से सोल्डिंग निकाल देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत कनेक्शन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम सप्लाई कट कर लेते हैं और यहाँ से जो मैंने सोल्डिंग कर रखा था उसको यहाँ पे हमें करना नहीं है, डायरेक्ट इसको हम ये आईसी के पहला नंबर पे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आईसी का पहला नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला आता है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या होगा इसमें जो कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंस बन जाता है इसके कारण यहाँ पे अच्छा से बेस नहीं बना पा रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर लेंगे सिंपली, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे जो मैंने लगाया था तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसके कारण अच्छा से बेस नहीं बना पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इसका एक जम्पर यहाँ पे लगा हुआ है, एक जम्पर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जो डायरेक्ट एक नंबर पिन में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं एक तो वहाँ पे बन रहा है और मैं आपको टच करके एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी बना रहा है और दूसरे में भी बना रहा है, जैसे ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे तीनों आईसी में सिर्फ बेस ही बना रहा है। तो इस तरीके से आप अपने होम थिएटर में सिर्फ तीनों आईसी से बेस पा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत कनेक्शन हो चुका था दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पे बेस नहीं बना पा रहा है। आप डायरेक्ट इसको एक नंबर पिन में डायरेक्ट यहाँ से जम्पर लेकर डायरेक्ट एक नंबर पिन में डाल दोगे, इससे क्या होगा कि हमारा बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो और ना ही कैपेसिटर हो, वो अच्छा बेस बना पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने होम थिएटर में ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं और जैसे कि आपने देखा कि बहुत अच्छा बेस बना रहा है तीनों आईसी में। तो इस तरीका से दोस्तों आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।